हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6 के जनरल नॉलेज के लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेसन 4 के बारे में समझाया था, जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। उसमें कुछ इन्वेंशन के बारे में हमने देखा था। अभी नेक्स्ट हम कुछ इन्वेंशन जो बेस्ट इन्वेंशन है उसके बारे में देखते हैं। लेट्स सी। 4. इट मेक्स पॉसिबल फॉर अस टू वर्क एट नाइट। तो बच्चों, ये तो आपने पिक्चर देखो, तो ये जो पिक्चर किसका है? बल्ब का। तो ये जो बल्ब है, इन्होंने हमें रात को भी काम करना हमारे लिए पॉसिबल बनाया है। पहले के जमाने में क्या था बच्चों, रात के समय में लाइट नहीं होती थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है वो इन्वेंट नहीं हुई थी। तो रात को सब दिया जला के वो उजाला करते थे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन होने के बाद बल्ब बनाया गया। तो बल्ब के कारण रात को भी काम करना पॉसिबल हुआ। इट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसकी मदद से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि काम करने की शक्ति है, वो बढ़ी, और हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो भी बढ़ी। तो रात के टाइम भी अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आप रात के समय पढ़ सकते हो। फैक्ट्रीज में जो लेबर्स होते हैं वो काम कर सकते हैं, ऑफिस या कंपनीज में एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी भी बढ़ी। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब। नेक्स्ट, दिस हैज बीन रेगुलरली यूज्ड इन नियरली ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। तो यहाँ पे व्हील का पिक्चर आप बच्चों देख ही रहे हो। तो ये जो व्हील्स है वो सभी तरह के व्हीकल्स में रेगुलरली यूज होते हैं, फ्रॉम एंशियंट कार्स टू मॉडर्न जेट एयरलाइंस। यानी कि एंशियंट कार्स में, यानी कि पुराने समय में जब व्हील इन्वेंट हुआ था, तो सबसे पहले कार्स बनाए गए थे, तब से लेकर आज जो मॉडर्न जेट लाइंस अभी ये जो मॉडर्न व्हीकल बना है, एयरप्लेन्स है, उसमें ये कार्स यूज होते हैं, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंशन ऑफ व्हील, उसके कारण ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही ज्यादा रिवॉल्यूशन आया है। तो ये क्या है बच्चों? व्हील। नेक्स्ट, इट हैज ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। इन्होंने ये जो है, इसने वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म, यानी कि एक डिजिटल वर्ल्ड में परिवर्तित कर दिया है। इट प्रोवाइड्स easy access to information from all over the world at any time। इनकी मदद से हम पूरी दुनिया में किसी भी टाइम में हम इंफॉर्मेशन जो है हम इजीली हम इसको एक्सेस कर पाते हैं, यानी कि हम इजीली पूरे दुनिया की जो इंफॉर्मेशन है वो हम इजीली एक्सेस कर पाते हैं, इजीली हम इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो ये क्या है बच्चों? इंटरनेट। अभी बच्चों, ये इंटरनेट की मदद से पूरी दुनिया में एक रिवॉल्यूशन आया है। कैसे? कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, तो हमें किसी की भी बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करते हैं? गूगल में जाके सर्च करते हैं, और हमें वो सारी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये किसकी मदद से पॉसिबल हुआ? ये जो इंटरनेट है उसकी मदद से। नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस एवर। ये दुनिया का सबसे ग्रेट, सबसे महान इन्वेंशन है। क्यों? इट इज द ओनली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने का एक ही मीडियम है, एंड शेयरिंग ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस विथ अदर ह्यूमंस। और इनकी मदद से हम लोगों के साथ अपने थॉट्स और इमोशंस को शेयर कर सकते हैं। तो ये क्या है? लैंग्वेज। हम लैंग्वेज की मदद से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे? हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स उसके साथ शेयर कर सकते हैं। सोचो बच्चों, अगर लैंग्वेज ही ना होती तो हम क्या करते? वर्बल कम्युनिकेशन करते। लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या? यानी कि हम इशारों में एक दूसरे को समझाते कि हम क्या कह रहे हैं उसको, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको। लेकिन कई बार क्या होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन में डिफेक्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि कई इशारे हम समझ नहीं पाते।
तो ये जो लैंग्वेज का जो इन्वेंशन है, जो कि पूरी दुनिया में कई प्रकार की लैंग्वेजेस है वो बोली जाती है, जैसे कि हम गुजरात में रहते हैं तो हम गुजराती बोलते हैं, और हमारे देश की जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है और इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश है, तो ये तीनों लैंग्वेज तो शायद सबको पता ही होगी। तो इस प्रकार की कई सारी लैंग्वेजेस है जिनकी मदद से लोग एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये जो इन्वेंशन है लैंग्वेज का वो एक ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है। थैंक यू।